नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद एक वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले एक महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। उसके दो कारण थे। एक कारण था कि मेरा ये फोन टूट गया था, तो ये फोन मेरे भाई ने पिछली बार मुझे लाके दिया था, उसी से मैं यूट्यूब करता रहता था। ये कहानी हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करने आए हैं जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अभी तक वो चुनाव किसी और ट्रैक से होके गुजर रहा था, जहां पर विकास की बात की जा रही थी, जो विपक्ष भी था वो भी बात कर रहा था बेरोजगारी से संबंधित, लेकिन आखिर घूम फिर कर ये सारी चर्चा मंडल और कमंडल पर आकर स्थापित हो रही है। जैसा कि आप सभी जान पा रहे होंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं और भी बहुत सारे लोग जो भाजपा के विधायक भी रहे हैं और कहीं कहीं मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर अभी समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया है। तो दोस्तों, आज इस विषय पर मैं राजनीतिक चर्चा करने नहीं आया हूं, लेकिन आपको कुछ बात बताने आया हूं कि देखिए, जब भी राजनीति की शुरुआत होती है वहां से विभाजन की बात होना शुरू हो जाती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैंने पिछले 4 सालों से जातियों के इतिहास पर चर्चा की है, लेकिन उनके विघटन या उनके आपसी संबंध की बात की है, ना कि उनको दूर करने की कोई बात की है। यदि मैंने वर्मा कुर्मी क्षत्रिय के बारे में बात किया तो उन्होंने बताया कि उनका इतिहास सुनहरा था। वो कहीं ये ना सोचे कि उनके मनोभाव दबे नहीं, वो हीन भावना से ग्रस्त ना हो कोई भी जाति का व्यक्ति, वो चाहे जिसको आज के टाइम पे आप छोटा जाति या बड़ा जाति, जो भी जो दुर्भावनाएं विकसित हो गई समाज में, उसको दूर करने का प्रयास इस चैनल के माध्यम से किया गया। खटीक जाति के इतिहास के बारे में चर्चा की गई आपसे, हमने और भी सरगरा जाति, बहुत सारे जातियों के विषय पर चर्चा किया, लेकिन हमने विघटन की बात नहीं की। और हमारा चैनल यही चाहता है कि हम सभी भारतीय एक रहें, तभी एकजुट होकर हम विश्व का सामना कर सकते हैं और आज के इस आर्थिक दौर में विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। तो दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, इस समय मैं पूर्वांचल में हूं और गोरखपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, भिनगा, ये सब जो इंपॉर्टेंट सीट है अयोध्या की, वहां से मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूं। तो ये जो सीटें हैं उस पर कैसा है ग्राफ, आज इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि एक महीने से मेरा कोई वीडियो नहीं आया था, उसका कारण था मेरा ये फोन, जो ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहा, जिसने यूट्यूब को मैं बहुत ही थैंक यू कहना चाहूंगा कि उसने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए जितना सपोर्ट किया है मुझे, और आप लोगों ने जुड़कर जो समर्थन मुझे दिया, वो एक ताकत के रूप में आज विस्फोरित हो रही है। तो दोस्तों, ये फोन मेरा टूट गया, ये वो जंग का साथी है, इस दौर का वो साथी है, ये MI Note Pro 6। मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, ना ही मुझे कोई स्पॉन्सरशिप मिली है, लेकिन मैं 3 सालों से इस फोन को बहुत अच्छा यूज किया, काइन मास्टर भी करता था, सारी एडिटिंग, कटिंग, सब कुछ मतलब थंबनेल बनाना, ये सब। लेकिन ये फोन, क्योंकि आप देख पाएंगे अब इस पे शायद कुछ क्रैक्स अगर हो सकता है, आप देख पा रहे हो, ये फोन काफी, इसका कैमरा भी डैमेज हो चुका है। तो दोस्तों, क्योंकि इसका कैमरा डैमेज हो चुका था, तो मैंने वीडियो मतलब बन नहीं रहे थे, तो फिर मैंने सोचा क्वालिटी वीडियोस ही देना है, तो कुछ दिन के लिए रुक गया, क्योंकि उस वक्त हम फोन खरीदने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि हमारा जो काम था वो इलेक्शन कैंपेन करना था, तो उसमें हमने कुछ इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने डाल दी हमारी टीम का, तो हमारे पास उस समय वो पैसा नहीं था कि हम फोन खरीद पाए। लेकिन धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, आप सबका समर्थन और फिर बहुत सारे लोगों का समर्थन मिला और हम लोगों को एक फोन नया मिला है, Note 2। तो अभी हम OnePlus यूज कर रहे हैं, और एक बुरी बात जो इस Note 2 में मुझे मिली, मैं आप सबको एज ए यूट्यूबर बताना चाहता हूं, जो यूट्यूब करते हैं दोस्त लोग वो जान ले, Note 2 में जो हमारा जैक होता है, नॉर्मल माइक जैक, वो नहीं फिट होता। यानी कि उसमें ऑडियो कनेक्ट, जब भी आपको ऑडियो कनेक्ट करना होगा, तो या तो फिर जैसे मैं डायरेक्ट वीडियो कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट ही फोन रिकॉर्ड कर रहा है, कोई माइक यूज नहीं कर पा रहा, इसका पोर्ट नहीं लग पाया उसमें, क्योंकि इसमें वो जैक नहीं है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम आई Note 2 के साथ, जो आज फर्स्ट वीडियो में शूट कर रहा था, मैंने आपको शेयर किया। और अब बात करते हैं पूर्वांचल में जो माहौल है इस समय। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो अभी माहौल बनाया जा रहा है, अभी तक अखिलेश यादव भी बेरोजगारी की बात कर रहे थे, सड़क की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनको ये पता चल चुका है कि ये बातें राजनीति में इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। फिर उन्होंने ट्रैक चेंज करके अब बात करने लगे कि दलितों को, पिछड़ों को, यही बात, मंडल और कमंडल जैसी बातें। अरे, अगर तोड़फोड़ की राजनीति का आप किसी को बताते हैं कि वो तोड़फोड़ की राजनीति करता है, तो आप तो उससे भी नीचे जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। मैं यहां पर योगी जी का समर्थन भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग गैर राजनीतिक लोग हैं, और फिलहाल जो हम पूर्वांचल में हमारी टीम है इस वक्त, और जो रिपोर्टिंग आ रही है,
उसमें योगी जी का पलड़ा भारी है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाने की कोशिश अखिलेश जी कर रहे हैं। स्टंट काफी अच्छा रहा है, लेकिन रिजल्ट इसके उतने इस तरह से देखने को नहीं मिल सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि स्टंट अच्छा है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य और वो लोनिया, एक विधायक जो लोनिया जाति के हैं वो भी आए हैं, और उसके साथ साथ कई विधायक भाजपा के टूट के इधर आए हैं। लेकिन जो स्क्रीनिंग हो हम लोगों ने की यहाँ, जैसे बहराइच, श्रावस्ती, भिंगा, बलरामपुर, फिर आपका फैजाबाद है, गोरखपुर सीट है, उधर सुल्तानपुर है, इन सब का जो स्थिति है उसमें योगी जी अभी भी पलड़े पे भारी चल रहे हैं। तो ये रिपोर्ट्स आपको मैं बताना चाहता हूँ। और एक और गुड न्यूज मैं आपको दे दूं कि अभी हमारी टीम ट्रैवल करके जा रही है दक्षिण भारत, क्योंकि जातियों के इतिहास से संबंधित कुछ वीडियोज और कुछ रिसर्च हम साउथ में जाकर करना चाहते हैं, ताकि और अच्छा कंटेंट आपके साथ हम शेयर कर सके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, समर्थन बहुत ही अच्छा मिला है। और अभी कल से नहीं लेकिन परसों से हमारी जर्नी, हमारे और शशिदानंद मिश्रा जी के टिकट्स हो चुके हैं, और हम सब निकल रहे हैं दक्षिण भारत के एक ऐसे ट्रिप पे जहां पर हम बात करेंगे जातियों के इतिहास से। आने वाले वीडियोस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो होने वाले हैं, जरूर देखिएगा, और हम हो सकता है वहां से भी आपको लाइव करें। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो लौटने के बाद एक एक करके डेली वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो इसी कुछ चर्चा के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार बस, आप सभी को आज इस दिन मकर संक्रांति पे वीडियो है तो मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर अगेन, आपका ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहे, कॉमर्शलाइज रहे, आप इकोनॉमिकल स्ट्रांग रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।